तो फाइनली दोस्तों यमा अपनी RX 100 का नया 2025 मॉडल को बहुत ही सस्ते कीमत के साथ हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, ताकि दोस्तों हीरो कंपनी की जो स्प्लेंडर प्लस है उसको ये बाइक कड़ी टक्कर दे पाए। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी RX 100 के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो लुक्स वगैरह दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, जो कि देखने के मामले में दोस्तों बाइक जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेट्रो स्टाइलिश भी लग रही है। आप लोग बताइए कि आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लगा है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक पर दोस्तों आप लोग को कुछ खास फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पर हेलोजन लाइटिंग सेटअप के साथ जो यहाँ पे फुल्ली एनालॉग का ही मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को नॉर्मल सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक पे आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। और सेफ्टी वाइज दोस्तों साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक का भी आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे फीचर्स आप लोग को इस बाइक पे ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। इंजन के बारे में बात करी जाए तो इसमें दोस्तों आप लोग को 100cc की इंजन दी जाएगी, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 8 BHP के आसपास में पावर और 9 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 4-speed गेयरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलेगा। बाइक पे आप लोग को कोई भी यहाँ पे की स्टार्ट देखने को नहीं मिलने वाली है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 60 से लेकर 65 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगी। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों 90,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये के बीच में आप लोग को इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा। लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों इसी साल के एंड तक में लॉन्च किया जा सकता है, या फिर दोस्तों 2025 के स्टार्टिंग तक में जो है यामा कंपनी हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कॉमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है यह आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।